तो हेलो गाइस, हाजिर एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। आई होप जो स्टार्टिंग में मैंने क्लिप लगाई थी वो आपको पसंद आई होगी। एंड आशा करता हूँ कि इस वीडियो में यार 500 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ यार अभी लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प करो और लाइक के बटन पे क्लिक कर दो। चैनल पे नए हो मेरे भाई, सब्सक्राइब करना। तो ये जो गेम प्ले है बहुत ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि इसमें इतनी इंटेंस फाइट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार मेरे को गेम प्ले डालना है अपने चैनल के ऊपर, तो भाई डालना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक इंटेंस गेम प्ले देखने को मिले, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको इस गेम प्ले में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और कुछ ना कुछ इस गेम प्ले से सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि तुमने देखा, हम लोग मेला आ चुके थे और मेला के अंदर तकरीबन कोई भी नहीं था, और हमने लूट फिनिश करी और डिसाइड करा कि अब हम जाएंगे पोचंकी की तरफ, क्योंकि एक्चुअल में आप सभी को पता है कि पोचंकी एक ऐसा स्पॉट है, एरिया है जहाँ पे बंदे आने ही आने होते हैं। फिर क्या, हम अपनी मंजिल पे निकल पड़े और उड़ते उड़ते यहाँ आ गए। और बस फिर मेरा टीममेट मुझसे कहते हैं कि पोचंकी के अंदर बंदे हैं, जो कि मेरे को भी स्पॉट हो चुके थे। अब इनको मारने की बारी, और यहाँ पे जब मैं एक एनिमी को मारूंगा वो देखने लायक होगा आप सभी लोगों के लिए। तो वो देखो, अब मेरे बंदे मुझसे कहते हैं कि पीछे एक बंदा है थ्री स्टोरी में, और वो बोलता है कि मैं मार दूं इसे, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे किल देने देना, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन रहती है तो भाई मैंने कहा कि तुम ही मार दो उसे, क्योंकि मुझे भी यार किल्स लेने और दिखाना है आपको कि भाई हाँ इस ऐसे से करके बंदे मारे जाते हैं। और मैंने तब भी अपने टीममेट से कहा था कि भाई पहले मुझे किल्स लेने देना, क्योंकि तुम्हें एज अ बैकअप के लिए रखना है, पहले सारी सिचुएशन मैं हैंडल करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बंदा जो बालकनी में आया हुआ है, अब यहाँ पे देखो मैंने उसको किस ट्रिक से मारा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे मारा एग्जिट और क्या करा उस टाइम पे। अब इस बंदे को मैंने किस तरीके से मारा, वो जो बंदे ने नोटिस करा होगा उन्हें पता है कि कैसे मैंने मारा। मतलब मैंने पहले मौली का सहारा लिया, और जो हमारी आई बटन रहती है, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे रिच में रहते हैं, ऐसे कवर में रहते हैं जहाँ पे हम नहीं देख सकते कि हमारा मौली या हमारा बम कहाँ पे जा रहा है, तो हम उस आई बटन का यूज़ करके एग्जोक वहाँ पे डाल सकते हैं ऊपर थोड़ा नीचे करके। फिर जैसे ही मौली गिरी, मुझे मालूम था वो बंदा जब जलेगा तो वो भागेगा, और जब भागेगा तो मैं उसे फिनिश कर दूंगा या मारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसा मैंने करा, तभी सामने एक और बंदा दिखता है, और इसको कैसे मारेंगे बहुत इजी था मेरे लिए, क्योंकि जो बिना टीपीपी और खिड़कियां हार्ड टीपीपी अगर तुम नहीं लोगे तो भाई मारे जाओगे। तभी एक और बंदा पीछे से साउंड आता है जिसको हम मारने के लिए तीनों चलते हैं, मतलब तीनों में कंपटीशन था कि कौन मारेगा। तभी मैंने अपने स्किल्स का यूज़ करा, दिमाग लगाया कि इसको हम दूसरी छत से जाके मार सकते हैं जिसे पता भी नहीं चलेगा। और इसको मेरे बंदों ने पहले से स्पॉट कर लिया था कि ये बालकनी में लेटा हुआ है, और तब मैंने कहा था भाई मुझे मारने देना इसे, मुझे मारने देना। और वो इजी, मतलब मैंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरीके से मैं आया और मैंने मतलब पीछे से पूरा घूम के। तो आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हो, अगर आपका क्लोज कॉम्बैक्ट अच्छा नहीं है तो आप ऐसे भी करके बंदों को स्पॉट करके मार सकते हो, उन्हें कन्फ्यूज़ करके, क्योंकि ये एक शहर है पोचंकी, एक जो भी मैप है पूरा का पूरा तुम्हें पता है एज अ रियल लाइफ की तरह बनाया गया है, तो तुम इधर से उधर जाके छत से जाके उनको स्पॉट करके इजी मार सकते हो। तो यहाँ पे ये जो बंदा था, ये बेचारा अकेला था, पता नहीं इसका टीममेट कौन था कहाँ था, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे अकेला था जो कि मैंने इजी मार दिया है। और पोचंकी में तकरीबन अब कोई भी नहीं बचा है, और हमने डिसाइड करा कि अब यहाँ पे रुक के कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं और जाया जाए और बंदों को मारा जाए। अब यार एक बात बताओ कि मैं कैसी कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरा गेम प्ले स्टाइल कैसा है, या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का, वो करा देना। तो यहाँ पे बंदे थे, इनको मारना ज़रूरी था।
मारो और कवर में आ जाओ, मारो टीपी पी लो। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो लगभग हमने पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी है, लेकिन अभी जो हमारे साथ या मेरे साथ या मेरे टीममेट्स के साथ जो होने वाला है वो तुम मतलब चौक जाओगे कि बंदे इस लेवल का भी कैम कर सकते हैं। और ये देखो मतलब ये एग्जैक्ट हमें इसकी पोजीशन नहीं पता था कि एक्चुअली में यहाँ पे लेटा हुआ है। सही में मतलब एकदम से मैं तो चौंक गया था कि भाई यार हम लूट रहे थे एग्जैक्ट लूट के, अगर वो चाहता तो भाई हम तीनों का भूत बना सकता था। लेकिन फिर भी इस बंदे ने जो टीपीपीएन कैम करके रखा था भाई, सही में हम लूट रहे थे, हमें पता नहीं था कि ये बंदा यहाँ पे है, लेकिन फिर भी इसकी मौत तय थी तो ये मारा गया। और डिसाइड करा कि भाई यहाँ का भी काम हो चुका है, अब कहीं और किसी और को मारा जाए। तो लास्ट में जो फाइट देखने को मिलेगी वो ओम की होगी, और अभी जॉर्जो के अंदर भी बंदे हैं और यहाँ पे वो कार जो खड़ी है ना उसमें भी बंदा है। अब भाई मुझे नहीं पता बंदे कार में बैठ के खाना खाने चले जाते हैं या मूतने चले जाते हैं या सोने चले जाते हैं। जिस तरीके से इनकी मौत हुई है भाई, मतलब इनको ही पता है कि कैसे इनकी मौत हुई है जब वो आएंगे खा के या मूत के, क्योंकि जिस तरीके से बैठा हुआ बंदा था गाड़ी में मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ करने गया था, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा था कि भाई ये अच्छा बंदा है और बेचारा शायद टॉयलेट करने गया होगा या कुछ करने गया होगा, लेकिन जब वो आया होगा तो काम तमाम मिला होगा। अब यार यहाँ पे तुम देखो एक ब्रिज के नीचे बंदा था, तो शायद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग में गलती कर दी थी, उसको गोली मारो, लेकिन यहाँ पे मेन बंदा था एक ब्रिज के नीचे, ठीक है। जब हम गाड़ी से आ रहे थे उसने फायर दी थी तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया था कि इसके नीचे बंदा है, तो वो पानी में जा चुका है। तो मैंने इसको नीचे से घेरा हुआ, मेरे टीममेट्स ने उधर से घेरा हुआ है, और हमें मालूम था कि वो ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रह पाएगा, कुछ सेकंड में बाहर आएगा, और वो गलती उसने करी और वो फिनिश हुआ। क्योंकि यार आप पानी के नीचे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, शायद कुछ सेकंड तक आप पानी के नीचे रह सकते हो, जैसे ही आप नहीं आओगे बाहर तो आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी, और आप दोबारा ज़्यादा देर तक नहीं आए बाहर भाई आपकी मौत हो सकती है पानी के अंदर ऑन द स्पॉट। तो जैसे ही वो बाहर आया हमने मार दिया। अब हम निकल पड़े हैं और लेकिन यहाँ पर चल चुकी है फ्लेयर, और यहाँ पर दो स्क्वाड्स हैं, एक उस साइड में और एक इस साइड में, जिनके साथ हमारी फाइट चलने वाली है। अब भाई हमने डिसाइड करा अभी वहां पर डायरेक्टली रश करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता है कि भाई वहाँ पे कहाँ कहाँ पे बंदे हैं और कितने बंदे हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि चार बंदे तो तकरीबन होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को दो बंदे दो तो दिख रहे थे, तभी मेरा एक बंदा नॉक भी हो जाता है। फिर मैंने डिसाइड करा कि भाई एक बंदे को नॉक कर जिसके पास स्नाइपर है, तो उसने डायरेक्टली नॉक भी कर दिया। अब हम निकल पड़े हैं इनको मारने। भाई यहाँ पे बाल बाल बचे, और मतलब तकरीबन मैंने शायद तीन या दो बंदों को यहाँ पे नॉक करा था, और उसका टीममेट जो खिड़की में बैठा था मुझे नहीं पता था उसकी पोजीशन भाई कहाँ पे है वो, जिसने उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। और अभी देखा तुमने, अगर मैं वहाँ से नहीं निकला होता, कवर में नहीं आया होता, तो मेरी मौत पक्की थी। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, बिना स्मोक के रिवाइव देते अपने टीममेट्स को, जैसा कि हमारे टीममेट ने यहाँ पे गलती करी। प्लस कुछ बंदे ये भी करते हैं कि एक जगह पे नॉक हो जाते हैं, उन्हें मालूम है कि रगड़ के मैं कवर में जा सकता हूँ, पर वो लापरवाही करते हैं और उसी जगह पे लेटे रहते हैं कि जब मेरा दूसरा टीममेट रिवाइव होगा तो वो मुझे भी रिवाइव देगा। तब तक या तो कहीं से स्प्रे आ जाता है या फिर कहीं से स्नाइपर का शॉट देखने को हमें मिल जाता है। अब भैया स्नाइपर की बात करें तो यहाँ पर एक ड्रॉप पड़ा था जिसमें मैंने धुआं करके स्मोक करके लूट लिया था इसे। तो अब हमारे हाथ में आ चुकी है 8WM प्लस M4, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे लिए और हर एक अच्छे प्लेयर के, या कोई भी प्लेयर जो पबजी खेलता था उसको पता है कि M4 और ओम कितनी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अब क्या है कि हमने लूटा और सामने टीम है जिसमें से अभी एक टीममेट मेरा जो है नॉक करने वाला है, और नॉक करते ही हम रश करेंगे। जैसा कि तुमने देखा कि एक टीममेट नॉक हो चुका है, तो मेरा काम क्या रहता है कि भाई गाड़ी उठा के उन पर रश करना।
क्योंकि अब वो अगर चार भी हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तीन हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अब हम भी तीन हैं और वो भी तीन हैं, तो अब हम रश करेंगे तो ईजी रहेगा। भाई वो पता नहीं कहाँ था, घास के अंदर लेटा, जिसका मेरे को सही से मैं देख नहीं रहता, लेकिन तभी मेरे बंदे ने उसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पे ये भी स्क्वाड पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है, और मुझे डर लग रहा था कहीं वो काड़ी ना फाड़ दे, जिससे जो मेरा टीममेट था वो नॉक हो जाए। वो मतलब पहले से नॉक था, और अगर वो नॉक था और अगर काड़ी फटती है तो डैमेज आता और सीधे वो फिनिश हो जाता। तभी अब मेरे साथ यहाँ पर क्या दुर्घटना होती है वो देखना। मतलब भाई इतने नीचे गिरा हूँ आके, पर बच गया। मुझे लगा कि मैं नॉक हो जाऊंगा, पर नॉक नहीं हुआ। तभी ऊपर एक बंदा होता है, भाई मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या कर रहा था। जिस हिसाब से खड़ा हुआ था, ना तो ये कुछ मूवमेंट कर रहा था ना कुछ, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो किल लेने से मतलब है। और एग्जैक्ट पता नहीं भाई वो क्या देख रहा था आसमान तले, उसे लगा कि भाई मेरे पास है, लेकिन वो सीधे खड़ा हुआ है। और अब मज़ा आएगा जो ओम के शॉर्ट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिसमें मतलब पूरा अंदर से मज़ा आ जाता है। इस बंदे को मैंने पहले देख लिया था, तभी मैं इतनी जल्दी से कूदा, और मुझे मालूम था कि भाई अगर मेरे मैंने नहीं अगर मैंने इसको नहीं मारा तो मेरे टीममेट मार देंगे। भाई ये हेडशॉट किसे किसे अच्छा लगा। अब ये जो क्लस मैंने करा, मतलब ऑलमोस्ट तीन बंदे मारे और तीनों किल मुझे यहाँ पे आ चुके थे। और किस किस को अच्छा लगा ये शॉर्ट्स भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब सिर्फ एक बंदा बचा है जिसको भी हम ईजी मार देंगे, पर अभी हमने इसको काफ़ी मतलब ढूंढा, तो मैंने इस वीडियो में कट भी लगाया, काफ़ी ढूंढा पर वो मिला नहीं। तभी उस साइड से थोड़ा सा हमें लगता है कि कोई बंदा होगा भाई, क्योंकि वहाँ पे से शॉर्ट्स आए थे। तब हमने डिसाइड करा कि भाई अब हम यहाँ को चलें, क्योंकि शॉर्ट्स आ चुके हैं तो भाई सिग्नल मिल चुका है कि एग्जैक्ट यहीं पर बंदा है। तो ये पत्थर के पास लेटा था, और भाई बस क्या होता है, मार देते हैं, तो मौत पक्की थी। आई होप कि आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा यार, ऐसे सपोर्ट करते रहो। धीरे धीरे मैं भी अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, एडिटिंग पे काम कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि भाई आपको अच्छा गेम प्ले देखने को मिले। देखो हम जिस लीग में खेलते हैं तो नूब बंदे नहीं मिलेंगे, तो मैं भाई 40 30 25 किल्स नहीं कर सकता, सभी को पता है। अब अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलूँगा जैसे अदर यूट्यूबर्स करते हैं, वो मैं कर सकता हूँ, पर उसमें क्या रहता है कि भाई मैं सोलो खेल रहा हूँ, मेरा सोलो में टायर लो है और मेरी स्किल्स बहुत हाई है, तो उनको मार के कोई भी मज़ा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अगर अपने टायर में खेलूँ, इस टायर में मैं हूँ, और इस टायर की जो लॉबी होती है, कॉन्कर लॉबी होती है भाई, वो अलग ही लेवल की होती है। अगर आप उस लॉबी के अंदर सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं और आपके टीममेट भी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो भाई आपको किल्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये सोचो अगर आप 12 13 15 किल्स आपको मिल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। और ये बात एक उसी प्लेयर को पता है जो कॉन्कर में है या एस में है, जिसका KD 5 से 6 का है, वही बता सकता है कि अगर आप एक स्क्वाड अच्छे स्क्वाड के साथ खेलते हो तो भाई आप पॉसिबल नहीं है कि 15-20 किल निकाल पाओ। या तो हम जो बंदे करते हैं सोलो में जो खेलते हैं, जिनका टायर सेम रहता है डायमंड, और वो मारते हैं ब्रॉन्ज या डायमंड वालों को क्लियर को, उनकी स्किल्स बहुत हाई होती हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपने गेम प्ले पे स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे चल के कॉम्पिटिटिव खेलना है। आई होप कि आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा। टारगेट है भाई 500 लाइक्स का, कर लेना। जो चैनल पे नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में।